तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अभी कर रहा हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि हम पहले गए थे मामा के घर किसी काम से। पर मामा के घर नहीं गए थे उन उस मतलब उसी तरफ ही गए थे कुछ काम से। तो मैंने सोचा मैं पहले वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, तब तक आप इंजॉय करो। तो दारू जी को हम आए थे छोड़ने बुआ के घर पे। ले जाओ, 4 दिन में वापसी ले जाऊंगा। कोई नहीं नानू, मेरे अब से। ओए 4 दिन में ले जाऊंगा नानू, मेरे नहीं भाई, 4 दिन में ले जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आ गए भाई। देख 4 दिन है ना, मेरे मतलब मेरे 4 दिन के लिए दे दे रहा हूँ दादी को, ठीक है। 4 दिन में ले जाऊंगा उसी। सपने देखना बहुत अच्छी बात है भाई, 4 दिन में ले जाऊंगा। अब इसकी बात नहीं सुननी, हो गया इसका काम खत्म, चलो टाइम खत्म इसका। भाई टाइम क्या खत्म, पागल है। भरत मिलाप होगा उसके बाद दादी को जाएंगे जीजू के घर। 4 या 5 दिन के लिए रहने जा रहे हैं, उसके बाद हम वापस जाएंगे दादी। हमारा भी मन नहीं लगता यार। चलो बाय बाय दादी, बाय 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 ब्रदर, ले जाऊंगा 4-5 दिन में। आ जा जल्दी वापसी में। ओके आ जाओ, बैठो बैठो सवारी बैठो। हाँ जी सवारी सवारी बैठो। हाँ जाओ जाओ, अब गाड़ी मत बैठना फिर, जाओ जाओ बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ। अबे यार लॉक कर रहा था यहाँ से मैं। अरे वो गाड़ी जानी यार, आप बैठो ना आगे, तू बैठ सही ना अभी, हम तो ड्राइवर है, बैठ जाओ। तो भाई दारजी को फाइनली छोड़ के हम आए थे अपना कुछ काम निपटाने मामा घर की साइड। तो काम निपटा लिया है, अभी एक दो काम और है वो भी निपटाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। मामा घर जाएंगे फिर हम, आज मंगलवार है, पदर नगर गुरुद्वारे जाएंगे मथा टेकने। मुझे मंदिर भी जाना है जी। हमें तो रात को जाना है ना, मंगलवार आरती और फतेह नगर ना जाए इतने के ये हो ही नहीं सकता भाई। आपको थोड़ी देर कुछ खाएंगे यार, सुबह से नाश्ते के अलावा कुछ भी नहीं कर रखा। टाइम पता क्या हो रहा है, 5-4 बजे रहे इसका। तो भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ मम्मी के फ़ोन पकड़ के, मम्मी हमारा मस्त गोलों पर खा रहे हैं दोनों इकट्ठे। सही है भाई सही है, मेरे लिए मम्मी अंदर लेगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। वहाँ से हम आ चुके थे घर, और वहाँ से मामा घर ना जाके हम आए वापसी बुआ के घर, क्योंकि बुआ का है आज बर्थडे। मैं सुबह से बुआ का वीडियो कॉल कर रहा हूँ, 2-3 कॉल करी लेकिन बुआ ने उठाया ही नहीं, मिल ही नहीं जाता उनका कॉल। और यहाँ से सरप्राइज प्लान करने, सरप्राइज देने आए हम बुआ को। बोलना है बोलना है मम्मी अलग नशे में घूम रही है, मैं अलग नशे में घूम रहा हूँ। ऐसे में ना थकावट बहुत हुई पड़ी है सुबह से, लाइक हम निकले हुए हैं, इतना सर दर्द हो रहा है, गाड़ी चला चला के थकावट हुई पड़ी, हालत खराब। चलाई भी ऐसी है कि भीड़ भाड़ वाली जगह। एक तो यार दिल्ली में इतनी जाम है ना भाई, दिल्ली में निकलो तो जाम ना मिले हो ही नहीं सकता कुछ, इतनी हालत खराब हुई पड़ी है। सरप्राइज गेट खोलो, वो पार्ट कर रही है। कर लो लाला ही बैठे हैं। सही मौजा हो रही है, सही मौजा हो रही है। चलो भाई भाई आते ही भाई मुझे ये नहीं, थोड़ा सा आराम दे दे, बाहर चल काम करो। ऑप्शन दिया था कि थका है तो। ओ झूठे झूठे, कहाँ तुमने ऑप्शन दिया, झूठ बोलने की लिमिट होती है। चल तेरे बिना तो मन ही नहीं लगेगा उसकी, मेरी वाली के बिना मन लग जाएगा लेकिन तेरे बिना मन नहीं लगेगा। अकेले क्या खड़ो वहां पे ये बता। अच्छा अपनी वाली का नाम दो तो। यार जल्दी पूछ कहीं कौन थी वाली कराएगा। मम्मी और यहाँ खा रहे कैसे सो रही है आराम। ओए ओ हेलो मैडम, हेलो ओए, अरे बेहोशी नहीं सो रहा है, उठ जा। बड़ों की चलिए पार्टी बाहर, हमारी चलिए पार्टी अंदर, मोमोस और फ्राइज के साथ। नहीं नहीं मैंने खा लिया, बुआ खा लिया, ये पार्टी खाएंगे आराम से मजे से, बाहर करनी पड़ेगी शेयरिंग। पापा के आगे खा भी नहीं सकते। क्या खाता रहता तू, ढंका खाना खाया करो। तो भाई फाइनली हम वहाँ से चल चुके हैं, और मम्मी से चल चुके हैं बुआ के घर से। अब ये मम्मी बार बार मुझे कह रही है कि पापा को कल लेके जाना है एक्सरे पे, एक्सरे करवाने, जो हमने लास्ट में अपने उसका कराया था ना बैक का, हमने गाड़ी भी नहीं, गाड़ी चलाते दिख नहीं रहा,
तो ये पापा का एक्सरे कराना, पापा मान नहीं रहे, तो ये बात करेगी मम्मी क्या मैं पकड़ा रहा हूँ मम्मी को। बताओ पापा क्यों नहीं करवाने से ध्यान चौधरी देख कर क्यों नहीं करवाने जा रहा क्या एक्सरे एक्सरे किसी काम कराना यार बैक का आपके बैक में अरे मेरे भाई मैं पहले हीट पैड जो होता ना उससे पहले मैं थोड़ी सफाई करके देखता हूँ एक दो दिन अगर दिक्कत आएगी फिर देखेंगे रहने दो बहुत टाइम हो गया इस चीज के आपको अरे मैं नहीं कराने जा रहा अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा है आपको कोई बात नहीं चलना मुश्किल आप अंकल को इतने कमेंट्स करो कि बोलो कि अंकल को कि जाके एक्सरे करवा के आए उनकी प्रॉब्लम रहती है करवाते नहीं है आप बोलो क्या पता मान जाए इतने कमेंट्स में भर दो कि अंकल जाके एक्सरे करवाओ तो ये जाके शायद मान जाए गाइस इनको बोलो पहले अपना घरेलू इलाज करो अगर नहीं आराम है फिर बाहर जाओ घरेलू बहुत कर लिए बहुत ज्यादा अब जाके कि दो कदम पे चलना आपको मुश्किल हो रहा है कोई बात नहीं धीरे 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 सब सेट हो जाएगा जब सिकाई करेंगे ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता जल्दी करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में पापा को एक्सरे दिखाएंगे एक्सरे दिखाएंगे गाइस आप इतना मतलब कमेंट्स में भर दो अंकल के लिए कि ये अपना एक्सरे जरूर करवाएं तो गाइस ये है मेरा कुछ सेकंड डे तो मैं अभी जा रहा हूँ यश के साथ मूवी देखने तो बस आगे पता चल जाएगी मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ और शायद टाइटल पे भी मैंने डाल दी होगी मुझे काफ़ी दिल था देखने का तो प्लान बन चुका है और यश फाइनली आ चुका है एक हफ्ता बोल के गया था तीन हफ्ते बाद आया मिलवाते उससे भी आपको भी तो भाई ये रहे कुछ महान शख्स जो अभी हमें कह रहे हैं भाई हमें वीडियो मत लिया करो भाई इतना अकड़ इतने अकड़ खाओगे भाई बचपन से ऐसे भाई अभी तक फेम नहीं आया तो अकड़ खा रहे हो अच्छा एक बात बोली सुनियो एक हफ्ता बोल रहा था तीन हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद ही आ रहा हूँ भाई ये ब्लॉग में ले रहा था मेरे को ओहो खाई माँ कसम अब तुम्हें पता है माँ कसम में खाता नहीं खा माँ कसम माँ कसम भाई में खाते ही भाई इतना बंदा है एक तो झूठ बोल रहा है इसने मुझे बोलता है कि मैं एक हफ्ते में आ जाऊँगा ठीक है और तीन हफ्ते बाद आया ये लड़का तीन हफ्ते बाद है एग्जैक्ट तीसरा हफ्ता खत्म हुआ तो उस दिन आया था आया ना तीन हफ्ते बाद आया ना हफ्ते में आ झूठ की तरह आते बार खिलाने ले आया नहीं करा ना मैंने हैं बार बेला है खिलाने हाँ चलो भगवान देख रहा है भगवान तो ये भी बहुत देख रहे जब तू झूठ बोल रहा है बार खिलाने कौन ला रहा बाकी अभी चलेंगे मूवी देखने तो थोड़ा मजा करेंगे मूवी बताते हैं मूवी है आर्टिकल क्यों कर रहा है पागल पंगे ले जा रहा है आर्टिकल 370 मूवी है जो हम देखने जा रहे हैं भाई ये पंगे ले जा रहे जो कैमरा हो रही है ना ये हरकतें कर जा रहे पीछे से तो भाई यहाँ पे तो अभी तक तो लोग आए भी नहीं हम पहले आ चुके हैं जल्दीबाजी करते रहते हो बाकी यश इतना थैंक यू बोलना चाहता ना मुझे कि मैं मूवी थिएटर लेके आया उससे इसका इतना दिल कर रहा था ना यहाँ पे आने का अब करेगा मेरे तीन घंटे खराब है यहाँ पे सोऊंगा तो आराम से तू यहाँ पे सोना है पैसे सोने के लिए कह रहा था मेरे साथ नहीं चल सकता मैं चलो भाई मैं सो लेंगे वहाँ बैठ के तू मूवी देख भाई पैसा सिर्फ इतना चाहिए मुझे वर्मा साहब का मेरी बात में भाई टाइम पास कर रहे हैं हम लोग वर्मा साहब पैसे भरते या सोने के आने के लिए ऐसी भाई वही लोग होते हैं जो इंटरवल होता है कुछ खाने पीने के ना लेके वॉशरूम आ जाते हैं भाई पहले एक काम कर पहले बिल्कुल ही नहीं हाथ भी नहीं धोए हाथ धो के बैठो भाई क्या हो गया हाथ साफ हो गए सारे भाई गंदी गंदी ना गालियां मत दिएगा चेन चमकाया कम कर चेन पहन लेते हैं कल नल्ले बेरोजगार समझते हैं कि हम कोठी बंगले वाले हैं इसमें भाई भाई कुछ खाने के लिए ले ले यार पता क्या खाया होता खिला क्या तू रेडबुल ले ले रेडबुल तो ले 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 जा आने जा रेडबुल कर तो रहा हूँ भाई कर जा किसे जाके लेता हूँ किसे ये बात हो गई एक भाई के लिए रेडबुल भाई, भाई।, भाई देखते हैं कितना करता नहीं करता अगर मेरी रात में आई तो हो है नहीं करी तो मतलब नहीं करा थे बंदे ने पिलाई थी मान गया भाई वर्मा साहब को मैं ले ही थी जिंदगी में पहली बार मॉल में आके कुछ चीज खरीदी उसने सॉरी भाई मानता हूँ इसकी शक्ल नहीं है बट कोई नहीं काम चला दो सही कह रहा मैं
यहाँ पे उधर है, खोते उधर है, तीसरे में जा रहे, जा अंदर जा, दम में तो जाके दिखा दे, दम वाली के बाद दम में तो जाके दिखा दे अपने थिएटर में, चलो मूवी चालू हो गई। मूवी हो चुकी ख़त्म और हॉल हो चुका है, यहाँ पे मॉल हो चुका काफ़ी खाली। मूवी इतनी बढ़िया लगी ना यश को भाई, इतना मज़ा आ गया, नींद लेके मज़ा आया भाई। भाई जो भी हो मूवी आप देखना चाहो ना, वन टाइम वॉच है, देख सकते हो। हमें तो इतनी खास लगी नहीं, जो एक्सपेक्टेशन हम गए थे ना वो हुई नहीं, मतलब ऐसी है, ठीक ठाक सी मूवी है। बाकी जिसमें पैसे खर्चे ना खर्च लो, नहीं खर्चे ना मत खर्चो, हमारा तो खर्चे गए, जो हो गया हो गया। बाकी अब चलते हैं, खाली हो गया मॉल, चल हम भी खाली करते हैं, चलो भाई साहब पोज लेने सीख रहे हमसे फोटो खिंचवानी है लंडन ने, हमारे भाई ने फोटो खिंचवानी है और हमसे पोज लेना सीख रहे हैं, इसको बोल दो खिंचवा ले, नहीं बोल दिखा क्या होगा रैंडम छपरी दिल्ली चला चले भाई, बहुत लेट हो गया, टाइम हो चुका काफी, 11 बज रहे हैं। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ।